ब्रॉट टू यू बाय इन्फिनिक्स। महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय एक के बाद एक बॉलीवुड सितारों को समन भेज रहा है। रणबीर कपूर के बाद श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, कपिल शर्मा और हिना खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इन एक्टर्स ने महादेव बुक ऐप का प्रमोशन किया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि जांच एजेंसी इस ऐप के प्रमोशन के लिए एक्टर्स को हुए पेमेंट के बारे में जानना चाहती है। इन एक्टर्स को ईडी ने 6 अक्टूबर को रायपुर ऑफिस बुलाया था। हालांकि रणवीर कपूर, हुमा कुरैशी और कपिल शर्मा ने ईडी से पेशी के लिए और अधिक समय की मांग की है। तो ये तो रहा इस मामले से जुड़ा ताजा अपडेट, लेकिन महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप की कहानी क्या है, इस पूरे सट्टेबाजी नेटवर्क के बारे में अब तक ईडी को क्या क्या पता चला है, सब कुछ विस्तार से जानिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले समझते हैं कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी कैसे काम करती है। महादेव बुक अपनी वेबसाइट पर खुद को सट्टेबाजी इंडस्ट्री के लीडिंग ऑनलाइन आईडी प्रोवाइडर बताता है। वेबसाइट के मुताबिक ये लोग टॉप गैम्बलिंग साइट ऑफर करते हैं। ईडी के मुताबिक महादेव बुक अवैध सट्टेबाजी कराने वाली वेबसाइट्स के लिए नए यूजर्स का इंतजाम करता है। साथ ही सट्टेबाजों की यूजर आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों में पैसे की हेराफेरी करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था कराने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है। ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप की जांच ईडी और कई राज्यों की पुलिस कर रही है। ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की महादेव ऑनलाइन बुक का सेंट्रल हेड ऑफिस यूएई में है। ये 70-30 के लाभ अनुपात पर सहयोगियों को फ्रेंचाइजी देकर चलता है। सट्टेबाजी की आय को विदेशी खाते में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। भारत में सट्टेबाजी वेबसाइट्स के विज्ञापन के लिए नकद में बड़ा खर्च किया जाता है। नए यूजर और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित किया जाता है। महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में जांच चल रही है। अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तलाशी अभियान के दौरान 417 करोड़ रुपए की नकदी और संपत्ति जब्त की है। ईडी ने कई और खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक महादेव बुक के दो प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक साम्राज्य बना लिया है। ये दोनों यूएई के दुबई से ऑपरेट करते हैं। इसके एक प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल यूएई में शादी की। इतनी आलीशान शादी कि उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौरभ चंद्राकर ने फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात के आरएके रास अल खैमा में शादी की। शादी समारोह में महादेव ऐप के प्रमोटरों ने लगभग 200 करोड़ रुपए नकद खर्च किए। इस शादी में सौरभ के रिश्तेदार नागपुर से यूएई प्राइवेट जेट से पहुंचे, जिन्हें किराए पर लिया गया था। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर वगैरह सब मुंबई से हायर किया गया और कैश पेमेंट के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। इंडिया टुडे के दिव्येश सिंह की रिपोर्ट में ईडी के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया। इसका वीडियो एजेंसी के हाथ लगा है। मुंबई की एक इवेंट कंपनी ने उन कलाकारों को इसकी फीस दी थी। सौरभ चंद्राकर की शादी में टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भाग्यश्री, आतिफ, विशाल ददलानी जैसे कलाकार परफॉर्म करने पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक शादी समारोह में जो परफॉर्मेंस पहुंचे उनके नाम कुछ उस प्रकार हैं: आतिफ असलम, राहत फतेह अली खां, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक, सुखविंदर सिंह। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने इस साल की शुरुआत में इस मामले की जांच शुरू की थी। पता चला कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर हैं। ईडी ने अपनी हालिया कार्यवाही में महादेव बुक ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल दूसरे प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान की है। ईडी ने इससे पहले छत्तीसगढ़ से इस सट्टेबाजी सिंडिकेट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। एजेंसी के मुताबिक ये लोग सरकारी अधिकारियों को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर रिश्वत दिया करते थे। अब तक रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं। 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। एजेंसी दो सरगनाओं चंद्राकर और उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है। रायपुर में एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने दोनों संदिग्धों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है, लेकिन अब जान लेते हैं कि आखिर कौन है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ चंद्राकर
छत्तीसगढ़ के भिलाई में पहले महादेव जूस सेंटर नाम की एक छोटी सी जूस की दुकान चलाते थे। वो कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर दांव लगाया करते थे, इसमें 10 से 15 लाख रुपए हार चुके थे। सौरभ चंद्राकर के दोस्त रवि उप्पल ने भी सट्टेबाजी में लगभग 10 लाख रुपए गंवाए। सट्टेबाजी सिंडिकेट से वसूली का दबाव पड़ने पर चंद्राकर उप्पल दोनों भिलाई से दुबई भाग गए। दुबई में दोनों छोटे मोटे काम करने लगे। फिर किसी तरह महादेव बुक ऐप नाम से सट्टेबाजी ऐप लॉन्च करने के लिए पैसे जुटाए। लॉन्चिंग के बाद से महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन दूसरे देशों में यह अभी भी चल रहा है। अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुरभि और साकेत ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।